अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर का किस तरह बैकअप बना सकते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपका जो फ़ोन होता है रीसेट हो जाता है, या फिर आपका फ़ोन कहीं गुम हो जाता है, तो आप उसका एक बैकअप बनाकर अपने USB में रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है आपका मोबाइल रीसेट हो जाए या कॉन्टैक्ट नंबर सारे डिलीट हो जाए, तो आप वन क्लिक पर उसको दोबारा लेकर आ सकते हैं अपने मोबाइल में। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, ये सैमसंग या अदर मोबाइल में ये सेटिंग इसके अंदर ही होती है, लेकिन काफ़ी कंपनी के मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं होती है। तो वो भी टेंशन नहीं लेनी, आपको एक एप्लीकेशन बताऊँगा, उसके ज़रिए भी आप इसका बैकअप बना सकते हैं। बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर होता है। तो इस वीडियो को तक देखते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन, यहां पे आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। आपने करना क्या है, अपने कॉन्टैक्ट पे आ जाना है। कॉन्टैक्ट पर आने के बाद यहां पे आपके सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। तो आपने करना क्या है, आपको सबसे ऊपर सर्च बार के, ये देखिए सर्च बार आपको नजर आ रहा है, सर्च बार के साथ आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, आपने इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद मैनेज कॉन्टैक्ट की ऑप्शन आ रही होगी, या फिर आपके पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की कॉन्टैक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इम्पोर्ट वी कार्ड फाइल VCF फ्रॉम योर फोन, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर फोन एज वी कार्ड फाइल VCF। तो आपने करना क्या है, इसको एक्सपोर्ट करना है। अपने जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करें दोस्तों, ये देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज SIM 1 SIM 2। अपने इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करके यहाँ पे अगर आपके पास मेमोरी कार्ड इसके अंदर मौजूद है तो आप मेमोरी कार्ड सेलेक्ट करें और इसको एक्सपोर्ट कर दें, तो एक्सपोर्ट आपकी फाइल हो जाएगी। देखें, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा दोस्तों, 285 कॉन्टैक्ट हैं वो यहाँ पे सारे कन्वर्ट होकर इस फोल्डर में आ जाएंगे। जैसे वो इस फोल्डर में आ जाएंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इस फोल्डर में आ चुके हैं, एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अब आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे हुए हैं। इंटरनल स्टोरेज पे जाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे फाइल मैनेजर पर जाने के बाद यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पे गया, यहाँ पे मुझे ढूंढना है VSF, जो कि ये देखिए contact.vcf वाली फाइल बन चुकी है। इसको आप मेमोरी कार्ड में सेव कर लें, USB में सेव कर लें। जब आपका मोबाइल का बैकअप या आप रीसेट करते हैं तो आपने वन क्लिक करना है। जैसे आप वन क्लिक करेंगे दोस्तों, आप सेव करेंगे, सारे कॉन्टैक्ट आपके सेव हो जाएंगे। तो एक तरीका ये था। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग नहीं है तो आपने एक एप्लीकेशन कर लेनी है जिसका नाम है सुपर बैकअप। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सेम प्रोसीजर वही है, आप यहाँ पर ऐप्स का भी बैकअप बना सकते हैं, SMS का भी बैकअप बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट का भी बैकअप बना सकते हैं, कॉल लॉग्स, कैलेंडर, कार्ड रिकॉर्डर का भी बैकअप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप्स का बना करके दिखाता हूं दोस्तों। यहां पे किसी भी ऐप पे क्लिक करें, जैसे मुझे बनाना है एनालिटिक्स का, यहां पे क्लिक करता हूं, यहां पे बैकअप पे क्लिक करता हूं दोस्तों। इसका एक मिनट भी नहीं लगा, इसका बैकअप बन चुका है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आएगी, आपने उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद मैं बैक आता हूँ, यहाँ पे हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट, जो हमारी मेन बात थी। हमने बैकअप ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप बैकअप ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप उसका नाम रख सकते हैं, कॉन्टैक्ट जैसी है, ओके करूँगा तो दोस्तों ये देख सकते हैं 285 जो कॉन्टैक्ट है वो मेरे इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाएंगे। फिर आप उसको USB में कर लें, जहाँ मर्जी आप करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। फाइल मैनेजर पर जाऊँगा, माई फाइल्स पर गया, इंटरनल स्टोरेज पर गया, एंड पे आऊँगा दूसरे contact.vcf, अब वो वाला ढूंढता हूँ सुपर बैकअप, सुपर कॉन्टैक्ट बैकअप, और उसके बाद APK फाइल, ये वाला बैकअप है एनालिटिक्स का, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा, ये उसका बैकअप आ चुका है कॉन्टैक्ट का। तो दोस्तों, इस तरह से आप बैकअप बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।